इसी तरह आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, आर एच में मदर नेगेटिव होती है, बेबी पॉजिटिव होता है, मदर फर्स्ट बेबी में नहीं होता, सेकंड बेबी में चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह टॉर्च इन्फेक्शन, मलेरिया और जीसीस्पीरी डेफिनेशन कैन ऑल कॉज जॉइंटस विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। इसी तरह अपेयरिंग बिटवीन 24 आवर्स टू 72 आवर्स ऑफ लाइफ कॉजेज, इसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटस यूजुअली द टॉप मोस्ट लिस्ट पे आता है। इसके अलावा सेप्सिस, अगेन पॉलीसाइथीमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंक्रीज इंटरवेंट्रिकुलर सर्कुलेशन इन केस ऑफ जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, दीज आर द कॉजेज फॉर जॉइंटस यूजुअली विच अपियर्स विद इन 24 टू 72 आवर्स ऑफ लाइफ। Now the causes of jaundice after 72 hours of life. Number one is sepsis. जब infection होगा तो hemolysis ज़्यादा होती है, baby की enzymatic activity कम हो जाती है जिसकी वजह से conjugation भी slow हो सकती है, plus इसमें liver damage भी होता है जिसकी वजह से direct content बढ़ जाता है। अब यहाँ बात हुई direct hyperbilirubinemia की, तो direct hyperbilirubinemia by definition हम उस वक़्त कहते हैं कि जब total bilirubin का 20% से ज़्यादा बिलिरुबिन डायरेक्ट अगर बढ़ा हुआ है तो इट्स मीन कि वो डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया है। मिसाल के तौर पे अगर बेबी का टोटल बिलिरुबिन आप बेबी का 10 है तो डायरेक्ट कंटेंट 20% के हिसाब से वो 2 से ज़्यादा होगा। अगर बेबी का बिलिरुबिन ही 5 है और डायरेक्ट 1.5 और 2 से ज़्यादा है तो भी हम उसको डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया लेंगे। अच्छा, इसी तरह न्यूनेटल हेपेटाइटिस, अगेन इसमें भी हेपेटाइटिस डैमेज होता है, हेपेटाइटिस मतलब लिवर डैमेज होता है और डायरेक्ट कंटेंट आपका बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी डिजीज, मोस्ट ऑफ द कॉजेज इसमें जो है ना एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस, ये सारी ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस एंड सेफलोहेमाटोमा, ये बाकी जो कॉजेज है वो डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया करती हैं। अच्छा, इसमें ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस और दो कॉजेज होती है, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस और एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटस। सो ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटस जो होता है, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटस यूजुअली अकर्स इन फर्स्ट 7 डे ऑफ लाइफ। एज नेम इंडिकेट कि फर्स्ट फीडिंग जॉइंटस मतलब फर्स्ट स्पेशली प्राइमरी मदर्स में फीड पहले वीक में ज़्यादा नहीं आता। जो फीड ज़्यादा नहीं आता तो बेबी में डिहाइड्रेशन का एलिमेंट होता है और कहीं में कंसंट्रेशन होती है और बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़ है। इसमें अगर फीड ज़्यादा मिल जाए बेबी को, हाइड्रेशन स्टेटस मिल जाए यानी कि मिल्क अगर ज़्यादा मिल जाए तो ये जॉइंटस इट्सेल्फ खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस, ये जो यूजुअली 7 डेज के बाद अपीयर होता है। इसमें क्या होता है कि सम टाइम मदर के मिल्क में सम मदर्स के मिल्क में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन को जो कि गट में सिक्रीट आउट हुआ होता है, वो डिग्रेड करते हैं और वो अनकंजुगेटेड होता है और इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन से दोबारा जज्ब हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ड्यू टू इनसफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ द मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस ड्यू टू एंजाइम्स इन द मिल्क। सो ये डिफ्रेंशिएट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द जॉइंटस, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जैसे कि फर्स्ट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द जॉइंटस, कि जॉइंटस अगर फर्स्ट 24 आवर्स में आ रहा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके नमोनिक से ये थोड़ा सा हमने बनाया, अ सिबलिंग हु हैज जॉइंटस एज न्यूनेट, फैमिली हिस्ट्री अगर जॉइंटस की तो उसके अगले बेबी में जॉइंटस का चांस बढ़ जाता है। अनरिकग्नाइज अगर हेमोलिसिस हो रही है तो ऑब्वियसली जॉइंटस बढ़ेगा। नॉन ऑप्टिमल सकिंग होगी अगेन, जैसे ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटस ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटस हो जाता है। जीसीस्पीरी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, इन्फेक्शन हो, सेफलोहेमाटोमा और इंडियन हो या ईस्ट एशियन हो, तो इनमें रिस्क ऑफ जॉइंटस ज़्यादा होता है। इसी तरह जॉइंटस को डायग्नोज कैसे करना है, क्लिनिकली आपने जज करना है, लेवल को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने लैब वैल्यूज करानी है। अच्छा, डायग्नोज करने की सिग्निफिकेंस क्या है, जॉइंटस लेवल जितना भी हो न्यूनेट में उसने कम होना है, लामहाला कम होना है, तो फिर मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई जब कम खुद ही हो जाएगा। तो मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि अगर एक सर्टन लेवल से वो एक्सीड करेगा इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो डिपॉजिट होगा बेजल गैंग्लिया में जहाँ पर वो परमानेंट डैमेज करेगा एंड दैट विल लीड टू अ परमानेंट कंडीशन दैट इज कॉल्ड कर्निक टेरस। सो ये सारी एक्सरसाइज जो हमारी करते हैं ये कर्निक टेरस से आपने बचाना है।
एक तो फर्स्ट उस लेवल पे जाने नहीं देना जहाँ पे वो कर्णिक टेरस को अप्रोच करे, ये जहाँ पे वो ब्लड ब्रेन स्टेम में डिपॉजिट हो। सेकंड, अगर वो उस लेवल के करीब करीब है तो अपने आप में इस तरीके से उसको एक्सटेंसिवली मैनेज करना है कि वो जल्दी से कम हो सके। उसमें आपने चाहे आपको ब्लड एक्सचेंज करना पड़ो या सिंपल फोटोथेरेपी से आपको मैनेज करना पड़े। सही है, तो गोल आपका क्या है कि बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी को रोकना है, दैट इज कर्णिक टेरस को रोकना है। अच्छा, ये एक सर्टन, ये इस तरह से फोटोथेरेपी हम देते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव तरीका जो है बिलिरुबिन ट्रीटमेंट का वो फोटोथेरेपी है। कन्वेंशनल फोटोथेरेपी भी होती है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसी को आप डबल और ट्रिपल भी लगा करके लगा सकते हो। जब भी आप फोटोथेरेपी देते हो ना, तो उसमें चार पांच चीज़ें आपको ख्याल करनी होती हैं। एक तो प्रॉपर एक्सपोजर हो, मैक्सिमम बॉडी सरफेस एरिया पे अगर फोटोथेरेपी लगेगी तो उसका उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सेकेंड, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है रेटिना को डैमेज करने की, सो आर आईज को आपने कवर करना है विद द हेल्प ऑफ पैड। सेकेंड, इसकी अपनी रेडिएशन होती है जिसकी वजह से इनसेंसिबल वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो आपने हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखना है। सही, इसके अलावा इसमें कुछ केसेस में कैल्शियम भी कम हो सकता है, कभी डायरिया हो जाता है बेबी को फोटोथेरेपी की वजह से, एंड एक्सेट्रा। इसी तरह सर्टेन चार्ट यूज किए जाते हैं कि किस लेवल पे हमने फोटोथेरेपी देनी है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस लेवल पे हमने उसको ब्लड एक्सचेंज करना है। ब्लड एक्सचेंज एक तरीका होता है जिसमें बेबी का ब्लड एक दूसरे ब्लड से एक्सचेंज कर दिया जाता है टू सडनली डिक्रीज करने के लिए बिलिरुबिन, ताकि टॉक्सिसिटी को रोका जाए। सो डिफरेंट चार्ट यूज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द चार्ट, आई थिंक दिस इज यू विल बी सीइंग दिस चार्ट एंड पेज पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। सो ना, प्रोग्नोसिस, अर्ली रिकग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर, प्रिवेंट सिवियर ब्रेन डैमेज। द होल आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। सो ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सारी एक्सरसाइज है। अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रिकग्नाइज करेंगे एंड अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो आप इसको प्रिवेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मदर है, अगर वो आपको पता है कि इसका फर्स्ट बेबी आरएच, ये मदर जो है आरएच नेगेटिव है, और मदर बेबी आरएच पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो आपने उसका 24 से 48 घंटे पर ही बिलिरुबिन मॉनिटरिंग शुरू कर देनी है, एंड यू विल स्टार्ट ट्रीटमेंट एज जिस भी लेवल पे आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा, आप वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। जहाँ पे आप 24 to 48 आवरली मॉनिटर करते रहोगे, जहाँ बिलिरुबिन रेज होगा वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, बजाय ये कि बेबी घर जाए और उसके बाद सिवियरली जॉइंटस होके वापसी आ जाए। इसी तरह एक बेबी जिसकी प्रीवियस सिबलिंग में हाइपर बिलिरुबिनीमिया की और एडमिशन की हिस्ट्री है, तो आप उसको भी कॉशियसली एड्रेस करोगे। तो ये अर्ली रिकग्निशन होगी, अर्ली रिकग्निशन होगी तो ट्रीटमेंट आप इफेक्टिव कर सकते हो। एक दफ़ा अगर कनेक्टिवस हो जाए ना, उसके बाद उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, परमानेंट डैमेज होता है। सो अगेन, ये सारी चीज़ें इस स्लाइड्स में लाइव बताया कि फोटोथेरेपी के बारे में, फोटोथेरेपी की टाइप्स के बारे में जो, और उसके साइड इफेक्ट और उसकी प्री रिक्विजिट के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक प्री रिक्विजिट जो पहले नहीं बताया था वो ये है कि इसका एक सर्टन डिस्टेंस होता है विद द बेबी, जो कि तकरीबन 18 इंच का होता है, तो 1.5 फिट। अच्छा, की पॉइंट इन द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द फोटोथेरेपी, अगेन वही पुरानी बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरेपी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरेपी। अच्छा, दिस इज बिफोर एंड आफ्टर फोटोथेरेपी। सो फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस चॉइस फॉर द इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अभी तक जो भी आज हमने बात की है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया की बात की है, डायरेक्ट की सिर्फ हमने डेफिनेशन टच की है। डायरेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि टोटल बिलिरुबिन का अगर 20% डायरेक्ट कॉन्टेंट है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, फिर उसके हमें कॉजेज को इवेलुएट करना पड़ेगा। सही, तो डायरेक्ट की आज हमने बात नहीं की, हमने सिर्फ इनडायरेक्ट की बात की है, कैसे फिजियोलॉजिकल जॉइंटस होता है, कैसे पैथोलॉजिकल जॉइंटस होता है, किस तरह पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है, सही, कॉजेज क्या क्या हो सकती है। सो आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ टूडेज टॉक, होपफुली यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, रिगार्ड्स।